हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यार, जेई मेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे फाइनली अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम डेट थी। यार बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि भैया हमारी जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है ट्वेल्थ का, उसके और बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एक दिन का डिफरेंस है। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर अलग है उसका सेंटर अलग है, तो यार कैसे मैनेज हो पाएगा। अगर बच्चे रात को अगर ट्रेवल करते हैं तो फिर कैसे हो पाएगा। तो इन सब कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए NTA ने ऑफिशियल डिसीजन लेके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दे दिया इसके रिगार्डिंग कि आपकी जो JEE की जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। ओके, सो आप देख सकते हो JEE मेन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या लिखा गया है। सो यार आप नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर ही आज ही का नोटिस दिया गया है। ओके, एंड आई विल शो यू। जैसे कि पब्लिक नोटिस के अंदर 14 मार्च 2022 को नोटिस आया है, सब्जेक्ट जो है रीशेड्यूलिंग द डेट्स जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। ओके, सो यहाँ पर दिया गया है ये, जो अगर अपन नोटिस को खोलें तो PDF के अंदर कुछ मेंशन किया गया है। सो यार यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट जो एग्जामिनेशन होने वाली थी 17, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को, सो जो एग्ज़ाम्स है वो डेट्स रिवाइज हो चुकी है। अभी जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 21, 24, 25, 29 और अप्रैल। ओके, देन मई के अंदर भी 1 मई और 4 मई को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, देन जो आपकी जो 26 जो भी थी 26 को हट चुकी है, 27 हट चुकी है, ओके 28 हट चुकी है, एंड यार आपको काफ़ी गैप भी मिला है बहुत सारे बच्चों को। ओके, जो भी आपके जो एग्जामिनेशन थे ट्वेल्थ वाले, और जो है आपकी जो एडमिट कार्ड है इसके रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुकी है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जो है आपके एडमिट कार्ड, सॉरी जो आपकी जो सिटी है वो जो है आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बता दिया जाएगा। एंड जो भी है इन्वेंशन ऑफ सिटीज, यानी कि जो भी सिटी इंक्लूड होगी या फिर हटाई जाएगी वो सब बता दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को। सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2022 को जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे NTA की तरफ से, यानी कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल को जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को कौन कौन सी सिटी के अंदर आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, किस में नहीं होने वाले हैं, कौन कौन सा सेंटर नया बन रहा है, किस शहर में कितने सेंटर होंगे, कितने सेंटर जो कैंसिल किए जाएंगे, उन सब को भी ध्यान रखा जाएगा। और यार इस साल जो है सिक्योरिटी बहुत खतरनाक होने वाली है ड्यू टू द बहुत ज़्यादा जो चीटिंग वगैरह हुई थी पिछले साल एंड अदर, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी जो चीटिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही कम नगण्य मान सकते हो, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है NTA इस बार। जैसे कि आपका OTP है, आपका जो सेंटर्स है, ओके, सो लग रहा है ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसके रिगार्डिंग, बहुत ही ज़्यादा जो है डिसीजन लिया जा रहा है रूल्स के रिगार्डिंग। ओके, सो यार मैंने जो बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं कि JEE मेन में कौन कौन से अच्छे अच्छे चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर, सो आप जो है उसके ऊपर ज़रूर फोकस करिए। ओके, और आप उनको देखिए और उस हिसाब से जो अपना पैटर्न बनाइए। ओके यार, सो जिस प्रकार से इसमें जो चेंजेज हुए हैं तो जो आपका जो मई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ जो आपका JEE एडवांस है उसमें बिल्कुल भी फेरबदल नहीं होने वाला है, आप उसका प्रॉपरली ध्यान रखें। एक सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप JEE के अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर भी अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।